पूरा देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहा है और लॉकडाउन है, उस स्थिति में आपके लिए फील्ड में मूवमेंट करना मुश्किल होगा। इसके लिए मैंने यह ई लर्निंग का तरीका अपनाया है, जिससे आप इजीली LIC के प्लान्स समझ सकें और अपने कस्टमर्स को भी आगे यह वीडियो शेयर करके उनको समझा सकें। तो आशा करता हूँ आपको मेरा यह तरीका पसंद आएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे LIC के बेहतरीन प्लान में से एक प्लान, उसका नाम है जीवन लक्ष्य प्लान। ये प्लान इतना शानदार है और क्यों इसकी सेल इतनी ज़्यादा होती है और क्यों कस्टमर को एक बार में ही समझाने से ये पसंद आ जाता है और क्या इसकी खूबियाँ हैं, वो सारी हम जानेंगे आगे। तो लेट्स स्टार्ट। लिमिटेड प्रीमियम कन्वेंशनल विथ प्रॉफिट एंडोमेंट प्लान, यह एक तरीके का एंडोमेंट प्लान है जिसमें आपके फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपकी लाइफ सिक्योर्ड रहती है और उसके बाद आपको मैच्योरिटी क्लेम दिया जाता है, और अगर डेथ क्लेम अराइज होता है तो डेथ क्लेम दिया जाता है। और इसमें जो आपकी प्रीमियम होगी वो आपकी फिक्स रहेगी एवरी ईयर, जो आपकी एज के साथ साथ इंक्रीज नहीं होगी, एक फिक्स प्रीमियम ही रहेगी। जीवन लक्ष्य प्लान 933, एज एट एंट्री है इसमें 18 to 50 ईयर्स, 18 से 50 वर्ष के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म इसमें रहेगी 13 to 25, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इसमें रहेगी 65 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति 50 वर्ष का व्यक्ति इस प्लान को लेता है तो उस केस में मैक्सिमम पॉलिसी टर्म उनकी होगी 15 साल। वह 15 साल के लिए ही इस प्लान को ले पाएंगे क्योंकि 15 साल बाद वो 65 के हो जाएंगे। सम एश्योर्ड है मिनिमम 1,00,000 की यह पॉलिसी कराना ज़रूरी है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें रहेगी आपकी पॉलिसी टर्म माइनस 3 साल, मतलब अगर कोई 20 साल के लिए इस प्लान को लेना चाहे तो उनको LIC में जो पेमेंट करना होगा प्रीमियम का, वह करना होगा 17 साल तक, 20 माइनस 3 17 साल, तो 17 साल तक उनको यह पेमेंट करना होगा और जो उनकी मैच्योरिटी होगी वो उनकी 20 साल बाद मैच्योरिटी होगी। बेसिक पॉलिसी के साथ आप एडिशनल राइडर्स कौन से ले सकते हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स क्या ले सकते हैं देखते हैं। आप इसमें ले सकते हैं टर्म राइडर, इसके साथ आप ले सकते हैं एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, इसके साथ आप ले सकते हैं एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, और उसी के साथ आप ले सकते हैं क्रिटिकल इलनेस राइडर। तो ये 4 राइडर की सुविधा इसमें उपलब्ध है। अगर आपको 2 साल बाद पैसों की ज़रूरत पड़े तो आपने जितना पेमेंट LIC में किया है उसका कुछ परसेंट आप एज ए लोन भी ले सकते हैं। पहले लोन और सरेंडर आप 3 साल से पहले नहीं ले सकते थे, लेकिन अब आप 2 साल बाद ही लोन और सरेंडर ले सकते हैं। अदर फीचर्स क्या है, प्रीमियम पेमेंट मोड्स इसमें कौन कौन से हैं, मंथली अगर आप देना चाहें EMI ऑप्शन जिसको LIC में कहते हैं, नैच मोड जिसमें आपकी बैंक EMI कटेगी तो वो आप कर सकते हैं, क्वार्टरली अगर आप देना चाहें 3 मंथ्स के ड्यूरेशन से तो वो भी आप दे सकते हैं, या अगर आप 6 मंथ्स के ड्यूरेशन से देना चाहें हाफ ईयरली तो वो भी आप दे सकते हैं, या फिर आप साल में एक बार देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, ईयरली पेमेंट दे सकते हैं। पेमेंट मोड्स रिबेट, ईयरली 2% ऑफ टेबुलर प्रीमियम एंड हाफ ईयरली 1% ऑफ टेबुलर प्रीमियम, मतलब अगर आप ईयरली अगर आप प्रीमियम देते हैं तो आपको 2% की रिबेट दी जाएगी, 2% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर कोई 50,000 रुपये की प्रीमियम देता है तो उन पर उनको 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा, और अगर हाफ ईयरली देते हैं 25,000 की दो तो फिर उस केस में 250 रुपये 250 रुपये 2 बार डिस्काउंट दिया जाएगा साल में। ग्रेस पीरियड रियायत अवधि जिसको कहते हैं, 15 डेज इन मंथली मोड एंड 30 डेज इन अदर मोड, मतलब अगर आप मंथली मोड लेते हैं तो आपके डेट के 15 दिन तक आपकी लेट फीस नहीं लगेगी 30 डेज इन अदर मोड। अगर आप क्वार्टरली हाफ ईयरली या ईयरली मोड में पेमेंट करते हैं तो आपकी 30 दिन तक लेट फीस नहीं लगेगी। टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C एंड 1010D एंड टैक्स फ्री मैच्योरिटी और डेथ क्लेम, मतलब LIC में जो भी आप पेमेंट करते हैं प्रीमियम की और अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो उसमें आप कुछ परसेंट रिबेट ले सकते हैं, और उसके बाद जो भी आपकी मैच्योरिटी और डेथ क्लेम में जो आपको पैसा मिलेगा वो आपका टैक्स फ्री होगा। अगर कोई पर्सन यह एम करे, यह लक्ष्य करे, यह टारगेट करे कि मुझे आज से जैसे 20 साल बाद अच्छी वेल्थ इकट्ठी करनी है जिससे मैं अपना एक ड्रीम हाउस बना सकूं, या फिर मैं उस वेल्थ से एक ऑफिस सेटअप कर सकूं, एक कंपनी सेटअप कर सकूं, तो जो ये उन्होंने एम लिया है
तो उस एम को या तो वह व्यक्ति खुद पूरा कर सकता है, या फिर अगर वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा तो उसकी गैर मौजूदगी में यह लक्ष्य पूरा करने की जिम्मेदारी LIC अपने पे लेती है इस प्लान के द्वारा। वो कैसे, देखते हैं आगे। होम टू सेल दिस प्लान, यह प्लान आपको किसको देना चाहिए? सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो एक डिफेंस पर्सन की होनी चाहिए, जो भी मिलिट्री फोर्सेज में काम कर रहे हैं, आर्मी, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, अदर है, कोई भी है, जो भी मिलिट्री फोर्सेज में है उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं दिन रात, तो इसलिए उनकी रिस्क ज़्यादा है, तो उनकी सिक्योरिटी करने का काम हमारा रहता है, इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी आप उनको दीजिए। दूसरी आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए एक फादर को, जिस पे अपने बच्चों की जिम्मेदारियां होती है। वह फादर एक डिफेंस पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि डिफेंस पर्सन दिन रात अपनी मेहनत करते हैं देश के लिए, उनके परिवार की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी होती है, तो इसलिए हम अगर डिफेंस पर्सन एक फादर है तो उनको भी आप एक प्लान सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक जिम्मेदार फादर को आप ये प्लान सजेस्ट करिए, जो अपने अपनी लाइफ को लेकर इनसिक्योर है, उनके अगर ना रहने से उनके बच्चों का क्या होगा, तो उनको आप ये प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। पर्सन अपने रिटायरमेंट के प्लानिंग कर रहा है तो उनको आप ये प्लान सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे अगर वो रहे तो उनकी अच्छी वेल्थ मिल जाएगी, और अगर नहीं रहे तो उनके जीवन साथी का आगे का जो सफ़र वो इजीली निकल सके इस वेल्थ से उनके जाने के बाद, तो आप उनको यह प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। या फिर जो एक फादर अपने बच्चों को लेके कंसर्न है मैरिज के पर्पस से, तो उनको भी आप ये प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, एक फादर अपने बच्चों को लेके कंसर्न दो चीज़ों से ही हो सकता है, फर्स्ट है एजुकेशन एंड सेकंड है मैरिज। तो एजुकेशन पर्पस के हिसाब से भी उनके ना रहते हुए उनके बच्चों की एजुकेशन अच्छे से हो पाए, उनके बच्चों की मैरिज अच्छे से हो पाए, तो उनके लिए उस ये प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। आप ये प्लान एक बिजनेसमैन को भी सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भी रिस्क ज़्यादा होती है। या फिर आप एक ऐसे पर्सन को अप्रोच कर सकते हैं जो ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं, या फिर उनकी जॉब प्रोफाइल ही ऐसी है, जैसे सेल्स मार्केटिंग का अगर उनका काम रहता है जिसमें ट्रैवलिंग ज़्यादा रहती है तो रिस्क भी ज़्यादा है, तो फिर आप उनको भी यह सजेस्ट कर सकते हैं प्लान। और एक डेली वेज वर्कर होता है जिन पे भी बहुत ज़्यादा अपने परिवार की जिम्मेदारी रहती है, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो डेली पैसे कमाने के लिए बहुत रिस्की काम करते हैं, और तो उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं यह प्लान। और उन्हीं के साथ साथ जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो भी पूरे दिन साइट्स पे काम करते हैं, और बहुत उनका भी काम रिस्की रहता है, तो उनको भी आप यह प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। और सिर्फ इनको ही नहीं, आपको जो भी लोग लगते हैं कि उनकी रिस्क ज़्यादा है लाइफ में और जिम्मेदारियां भी उनके पास काफ़ी है, तो उनको आप यह प्लान सजेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमने यह माना है एक एक्स नाम का पर्सन है, उसकी एज है 25 साल, प्लान हमने उनको दिया है जीवन लक्ष्य यही वाला, सम एश्योर्ड हमने रखा है 10 लाख का, पॉलिसी टर्म हमने दी है 21 साल की, प्रीमियम पेइंग टर्म है वो हो गई 18 साल की, क्योंकि 21 - 3 = 18, और उसी के साथ हमने टर्म राइडर इनको दिया है 10 लाख का, और एक डबल एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर है वो भी हमने इनको दिया है, वो है 10 लाख का। तो इस हिसाब से उनकी जो एज के हिसाब से जो उनका प्रीमियम कैलकुलेट होके आया है वो है, फर्स्ट ईयर इनको देने हैं 53,392 और विथ GST इनके हो जाएंगे 55,795, और अगर ये हाफ़ली देना चाहें तो इनके हो जाएंगे 28,192, अगर ये क्वार्टरली देना चाहें तो 14,243, और अगर ये मंथली देना चाहें, जो नैच मोड जिसको कहते हैं हम बैंक से EMI वाला, वो अगर देना चाहें तो 4747 ये दे सकते हैं। और सेकंड ईयर से इनकी प्रीमियम कम आएगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो GST लगती है प्रीमियम पे वो होती है 4.5%, और सेकंड ईयर से जो GST लगती है वो होती है 2.25%, और ये आगे जब तक आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म होगी तब तक आपकी 2.25 ही रहेगी, यहाँ से आपकी प्रीमियम स्टेबल होती है। तो ईयरली अगर कोई देना चाहे तो सेकंड ईयर से आपकी पेमेंट हो जाएगी 54,593, और अगर हाफली देना चाहे तो 27,585, और अगर क्वार्टरली देना चाहे तो 13,937, एंड अगर मंथली देना चाहे तो 4,645। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक कैलकुलेशंस है। अब इस पे कैसे मैच्योरिटी मिलेगी वो सब हम देखते हैं। सम एश्योर्ड जो हमने इंश्योरेंस किया था वो था 10 लाख का, तो इसके हिसाब से इन्होंने जो 18 साल में पेमेंट की LIC को वो थी 9,83,876। तो इसमें इनका जो बोनस हुआ 21 साल में वो हुआ 10,29,000 रुपये, और जो फाइनल एडिशनल बोनस हुआ FAB जिसको कहते हैं वो हुआ 1 लाख रुपये।
तो टोटल जो उनको 46 की एज पे जब 2041 आएगा तब इनको जो पेमेंट मिलेगा वो मिलेगा मैच्योरिटी पे 21,29,000 21,29,000 रुपीज़ इनको मैच्योरिटी मिलेगी। तो बताइए फ्रेंड्स कितना बड़ा बल्क अमाउंट है ये। अगर कोई पर्सन 9,83,876 देता है सिर्फ 18 ईयर्स तक तो उनको 21 साल बाद जो रिटर्न मिलेगा वो ज़्यादा है या नहीं है। फ्रेंड्स ये अमाउंट इतना कैसे हुआ मैच्योरिटी पे वो मैं आपको बताता हूँ। जितना कस्टमर ने पे नहीं किया था LIC में उससे ज़्यादा तो LIC ने इनको बोनस दिया है। तो वो बोनस कैसे आया, क्योंकि जो भी पॉलिसी होल्डर्स का पैसा होता है वो LIC ऐसी जगह इन्वेस्ट करती है जहाँ से गारंटेड रिटर्न मिलता है। जैसे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वहाँ पे, बड़ी बड़ी PSUs है वहाँ पे, जो भी गवर्नमेंट बैंक है, जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें LIC पैसा लगाती है पॉलिसी होल्डर का। उसके अलावा ट्रेजरी बिल्स है या फिर और भी जो बड़ी बड़ी जो फर्म्स है वहाँ पे LIC अपना पैसा लगाती है जहाँ से गारंटेड रिटर्न आता है, और वो रिटर्न एज ए बोनस एवरी ईयर पर पॉलिसी पे LIC डिक्लेयर करती है। तो इसलिए LIC में इतना ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो फ्रेंड्स ये केस जो था वो था अगर जो कस्टमर ने लक्ष्य लिया है उस लक्ष्य को पूरा होते देखने के लिए, अगर वो खुद सर्वाइव है तब उनको मैच्योरिटी LIC ने दी है 21,29,000 की, जो बड़ा वेल्थ है और उससे उनका जो उन्होंने टारगेट पूरा सेट किया था वो इजीली पूरा हो जाएगा। लेकिन अब हम वो केस देखेंगे जिसमें 21 साल के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, और उस केस में उनका जो टारगेट था वो कैसे LIC पूरा करेगी, उनकी फैमिली को कैसे वो सर्वाइव रखेगी वो टारगेट देखने के लिए, तो वो हम देखते हैं। इन केस ऑफ डेथ हमने ये माना है बुरा से बुरा कि अगर 25 साल का व्यक्ति इस प्लान को लेता है जो पिछले साइड में हमने लिया था, और अगले साल ही उसकी डेथ हो जाती है नेक्स्ट ईयर ही जब वो 26 साल का होगा, तब नेचुरल डेथ अगर उनकी हुई है तब उनकी फैमिली को इमीडिएटली LIC डेथ क्लेम देगी 10 लाख का, क्योंकि उन्होंने टर्म राइडर ले रखा था। ठीक है, उसी के साथ जो उन्होंने जो एम सेट किया था, जो टारगेट सेट किया था कि 21 साल बाद उनको वेल्थ मिलेगी, उससे वो एक घर बनाएंगे या फिर एक कंपनी सेटअप करेंगे अब खुद के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए, तो उनकी फैमिली को सर्वाइव रखने के लिए, उनकी फैमिली को वो टारगेट पूरा कर होते देखने के लिए उनको 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब सम एश्योर्ड अपना था 10 लाख रुपये, तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपये आगे के 20 साल तक उनकी फैमिली को दिया जाएगा, मतलब 20 लाख रुपये उनकी फैमिली को दिया जाएगा मैच्योरिटी तक सर्वाइव रखने के लिए, उनका लालन पालन करने के लिए। तो ये केस था नेचुरल डेथ का। अब है हमारे पास अगर केस है एक्सीडेंट डेथ का। एक्सीडेंट में यहाँ मैंने कार का बताया है लेकिन रोड एक्सीडेंट का बताया है, लेकिन अगर एक्सीडेंट कुछ अदर केसेस से हुआ है जो नेचुरल नहीं था कॉज, जैसे सीढ़ियों से गिरना या फिर स्नेक बाइट है या फिर पाँव स्लिप होने से डेथ होना, ऐसे बहुत सारे केसेस लिस्टेड हैं LIC में एक्सीडेंट के, तो उनमें से अगर कोई एक्सीडेंट डेथ हुई है उस केस में डबल एक्सीडेंट बेनिफिट इनको दिया जाएगा, मतलब 20 लाख रुपए इनको दिए जाएंगे। उसी के साथ जो पॉइंट नंबर सेकंड हमने डिस्कस किया, उनकी फैमिली को 20 लाख रुपए हर साल, 1-1 लाख रुपए 20 साल तक और दिए जाएंगे। उसी के साथ उन्होंने जो लक्ष्य सेट किया था, जो मैच्योरिटी पे इनको बड़ा वेल्थ चाहिए था जिससे वो हाउस बना सकें अच्छा या फिर एक कंपनी सेटअप कर सकें, तो वो उनकी फैमिली को वो पैसा दे LIC, ताकि जो उनका सपना था वो सपना उनकी फैमिली उस वेल्थ से जो LIC ने उनको दी है उससे वो पूरा कर सके, तो वो उनको और मिलेगी, तो वो होगी 110% ऑफ सम एश्योर्ड, 110% ऑफ सम एश्योर्ड वो हो जाएगी विथ बोनस मिला के 22,29,000 22,29,000 रुपये। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि उनके जाने के बाद इंश्योरेंस का क्लेम जो हुआ और पूरी लाइफ LIC ने उनकी फैमिली को कितना पैसा दिया। वो नेचुरली अगर उनकी हम डेथ कंसिडर करें तब उनकी फैमिली को LIC ने इमीडिएटली डेथ के बाद 10 लाख रुपए का डेथ क्लेम दिया। उसके बाद उनकी फैमिली को सर्वाइव रखने के लिए जो उनका टारगेट था वो देखने के लिए 1 लाख रुपये 20 साल तक 20 लाख रुपये दिए। उसके बाद जब मैच्योरिटी थी उनकी 21 साल बाद, जो उनके ना रहते हुए भी LIC ने मैच्योरिटी क्लेम दिया वो दिया 22,29,000। ओवरऑल उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को कितना पेमेंट LIC से दिलवाया वो हुआ 52,29,000 52,29,000 रुपये उन्होंने अपनी फैमिली को दिए। उसके अलावा अगर हम एक्सीडेंट का अगर केस कंसिडर करें तब जो डेथ क्लेम हुआ वो हो गया डबल, तो उस केस में जो टोटल अमाउंट उनकी फैमिली को मिला वो हुआ 62,29,000 62,29,000 रुपये। तो फ्रेंड्स देखा आपने, यही इस प्लान की सबसे बड़ी खूबसूरती है जो इस प्लान को दूसरे प्लान से डिफरेंट बनाती है।
जिसमें जो कस्टमर था उसकी डेथ पे नेचुरल हो या फिर एक्सीडेंट हो, LIC ने इतना पैसा दिया, उसके बाद भी उनको मैच्योरिटी पे जो उन्होंने टारगेट लिया था, क्योंकि उनका जो मेन मकसद था वो मकसद ये नहीं था कि उनको डेथ क्लेम दिलवाना है या फिर उनकी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए एक अमाउंट दिलवाना है। उनका मेन मकसद था जो उन्होंने ड्रीम देखा है वो उनके ना रहते LIC उसको पूरा करे। तो इसके लिए LIC ने उस ड्रीम को तो पूरा किया ही, उनको मैच्योरिटी पे तो पैसा दिया ही, लेकिन उसके अलावा उनकी फैमिली को सर्वाइव रखने के लिए, वो ड्रीम देखने के लिए उनको LIC ने एवरी ईयर 10% और दिया, और उसी के अलावा डेथ क्लेम भी दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने तो सिर्फ एक साल की पेमेंट की थी जो थी अप्रॉक्स 55,000, लेकिन उसके बावजूद भी LIC ने उनकी फैमिली को अगर नेचुरल डेथ केस कंसिडर करें तो 52,29,000 दिए, और अगर एक्सीडेंट डेथ कंसिडर करें तो 62,29,000 दिए। तो कितना बड़ा अमाउंट उनकी फैमिली को मिला उनके ना रहते हुए भी। तो यही इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत थी। तो आई होप आपको यह प्लान पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।